प्लानेट बॉलीवुड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं ऋतिक रोशन से। वेल, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उनकी इंजरी की वजह से उन्होंने मोहेंजोदारो की फिल्म शूटिंग रुकवा दी थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ये फिल्म उन्होंने इसीलिए भी रुकवा दी है क्योंकि अब वो क्रिश 4 की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं। एक्टर राजकुमार राव का कहना है दैट ही इज वेरी लॉयल टू द भट गैंग एंड ही विल बी ऑलवेज लॉयल टू देम। मेरी अधूरी कहानी पर भी राजकुमार राव ने कहा कि ये रोल उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उनके अलावा ये रोल कोई दूसरा नहीं कर सकता था। साथ ही अपनी नेक्स्ट फिल्म शिमला मिर्च के बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक्शन जैक्सन फिल्म के सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर एक्टर अजय देवगन ने शेयर की एक इम्पोर्टेंट न्यूज। द एक्टर सेड दैट हिज डॉटर इज रियली रियली हैप्पी टू सी हिम डांसिंग एंड डांसिंग वेल। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि वो खुश है कि ये एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है और साथ ही एक्शन से भरपूर। बहुत जल्द बिग स्क्रीन पर प्रियंका चोपड़ा की एक और कजन एंट्री करने वाली है और उनके बोल्ड अंदाज ने उनके डेब्यू से पहले ही काफी बस क्रिएट कर दिया है। हम बात कर रहे हैं बार्बी की। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ले रही हैं अपनी कजन सिस्टर बार्बी मनारा के करियर में स्पेशल इंटरेस्ट। पीसी रख रही हैं बार्बी के हर मूवमेंट पर अपनी पैनी नजर। एज शी हैज सजेस्टेड हर द सेम पीआर एजेंसी टू मैनेज हर दैट आल्सो मैनेजेस पीसीज वर्क। दावत है इश्क के बाद आदित्य रॉय कपूर इज ऑल गियर्ड अप फॉर हिज नेक्स्ट अपकमिंग मूवी। आदित्य रॉय कपूर आजकल बिजी हैं अपना फितूर लुक मेंटेन करने में और इसी के चलते आदित्य कहीं भी बाहर जाते नहीं दिखाई दे रहे हैं एज ही वॉन्ट्स टू कीप द लुक अंडर रैप्स। लेकिन आदित्य को अपना ये लुक करना पड़ा रिवील और इसके पीछे कोई और रीजन नहीं बल्कि उनका फैमिली अफेयर था। गजनी और हॉलिडे के बाद ए आर मुरुगदॉस अपनी लेटेस्ट फिल्म कथिति के हिंदी रीमेक पर काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कथिति को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में अब बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स ए आर मुरुगदॉस को इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। सलमान खान का फेवरेट कोरियोग्राफर उन्हें फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी कोरियोग्राफ करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, सोर्सेज का कहना है कि सलमान खान ने अपने फेवरेट कोरियोग्राफर मुदस्सिर की एंट्री राजश्री फिल्म्स में करवा दी है। सलमान खान ने फिल्म प्रेम रतन धन पायो के मेकर सूरज बरजातिया से रिक्वेस्ट की है कि मुदस्सिर को ही इस फिल्म का कोरियोग्राफर बनाया जाए। पिछली बार सलमान खान के साथ कटरीना कैफ एक था टाइगर में दिखी थी और यशराज फिल्म्स की ये फिल्म वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स बनी थी। जाहिर सी बात है दैट दे वांट टू क्रिएट द सेम मैजिक विद अ न्यू पेयरिंग। सूत्रों की माने तो यशराज फिल्म्स इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू गेट दीपिका पादुकोण ऑन बोर्ड टू बी कास्ट ऑपोजिट सलमान। पोस्ट द ह्यूज सक्सेस ऑफ रॉक ऑन 2 इज अ मच अवेटेड फिल्म। वैसे तो ये फिल्म अभिषेक कपूर नहीं डायरेक्ट करेंगे बट द कास्ट ऑफ द फिल्म इज ऑलरेडी बीइंग टॉक्ड अबाउट। सुनने में आ रहा है कि आलिया भट्ट हैज बीन रोप्ड इन टू प्ले वन ऑफ द रोल्स इन दिस फिल्म। मलाइका अरोरा की सिस्टर अमृता अरोरा विल सून बी सीन इन एन एड। अमृता अरोरा इज सेट टू मेक अ कमबैक इन द एड वर्ल्ड एज शी हैज बीन रोप्ड इन बाय रितेश सिद्वानीज वाइफ फॉर हर क्लोथिंग लाइन। बता दें कि मलाइका हरसेल्फ हैज अ क्लोथिंग ब्रांड एंड शी इज द फेस फॉर इट।